ये कसमें ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कोई लड़की या कोई लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। आप ऐसे शख्स को चुनें जो आपको प्यार करता हो, ना ही आप उससे प्यार करते हो, आप ज्यादा खुश रहोगे। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वो खंजर मेरे अपनों ने ही घोपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, यार प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जब चलना है खुद अपने पैरों पर। गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वो जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में आपके साथ हो। मूर्खों से कभी भी मीठे वचन की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कौवे की आवाज कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। क्रोध में कमजोर इंसान भी अपने से मजबूत इंसान से दो चार हाथ करने में पीछे नहीं हटता। फिर परिणाम चाहे जो भी हो, अगर आपका हौसला मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये इच्छाएं ही है जो इंसान को जिंदगी में व्यस्त रखती हैं, नहीं तो इंसान जिंदगी से भी ऊब जाए। वैसे तो सभी एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, लेकिन जहां अपने हक के लिए लड़ना हो वहां कमजोर हो जाते हैं। काम को बीच में अधूरा छोड़ने की आदत ही आपको जिंदगी में पीछे रखती है। कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। आपका अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी खुशी का मुख्य आधार है। लक्ष्य भले ही छोटा रखो, पर उसे पूरा करने का संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। मंजिल हमेशा सीधे और लगातार चलने से मिलती है। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं ही आपके हर दुख का कारण है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वो आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वो लोग हमें, जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझमें भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी चखले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे, तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी लोगों की जिंदगी में, मतलब निकलता गया, मतलब ही निकलते गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग
हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहाँ जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और बेशरम हम इतने हुए हैं कि पास बैठे अपनों की ना तकलीफ दिखती है और ना महसूस होती है। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, उसे मतलब निकालना कहते हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की ना होती। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कभी कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंस कर गुजार दे। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहें। आप तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुलाकर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार
वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर बाप किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। भूलकर जीना हो तो कभी किसी पे मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को, मुसीबतों से पूछो
कि वो मुझे कितना चाहती हैं। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है, अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत, बाकी सब पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना तो ही ने वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं, जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वो बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग चुराने लगे हैं शायरियां मेरी, गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए
तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। होई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है। पिछड़कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत।